हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेपीएससी विद अमन। मैं अमन, आज हम आप लोगों को फ्रेंड मौलिक अधिकार जो बताएंगे, और यह मौलिक अधिकार आप लोगों को खत्म होगा 6 पार्ट में। पहला पार्ट आज हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में दिया गया है, और आप लोगों को अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आप लोगों को 6 पार्ट में पढ़ाएंगे, और आप लोग देखिए ध्यान से। चलिए फिर सब। और यह मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड, वो भारत के भाग 3 में लिखा हुआ है, यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखा हुआ है। ये सारी इम्पोर्टेंट आप लोगों को बात जानना है। उसके बाद आप लोग सबसे पहले जान लीजिए फ्रेंड समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में आप लोग सबसे पहले पढ़ना है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17, 18। समानता के अधिकार अनुच्छेद 17 तक ही पढ़ना है। अब पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि पहले हमारे संविधान में अनुच्छेद मतलब सम्मौलिक अधिकार जो था वह 7 था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हमारे वर्तमान समय में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 6 है। आप लोग याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार है, तो हम इसलिए आप लोगों को 6 पार्ट में बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को समानता का अधिकार बताएंगे। चलिए फिर आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले जान ले कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। इसमें कहा गया है कि भारत के एक राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान होगा। इसके कहने का मतलब है कि अगर भारत के किसी भी देश में मतलब किसी भी राज्य में आप कोई भी व्यक्ति हो, यानी कहीं पर भी हो, तो उसको मतलब जॉब लेने में या कोई कार्य करने में उसको समान अधिकार दिया जाएगा। ना ताकि वह अमीर है तो उसको ज़्यादा जॉब दिया जाएगा या जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय संविधान में लिखा गया है कि उसका समान अधिकार होगा, ये अनुच्छेद 14 में लिखा हो गया है। उसके बाद फ्रेंड आप लोग अनुच्छेद 15 देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी जात अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसका जाति, धर्म, रंग, कलर कुछ पे भी भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि उसके अनुसार हम किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा भेदभाव करता है तो अनुच्छेद 15 के अनुसार उसे आप कार्रवाई कर सकते हैं, मतलब कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को देखिए इसमें क्या लिखा है, और इस आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, तालाब, स्नानगार, कुआं आदि स्थानों पर उपयोग कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहले हमारे देश में ऐसा होता ही था कि अगर कोई भी छोटा कास्ट का आदमी अगर कोई भोजनालय में जा रहा है या कोई स्नान घर कोई कुआं को छू रहा है, तो बड़ा कास्ट वाले आदमी उस कुआं को यूज नहीं करते थे या उस कुआं को यूज करने नहीं देते थे, ऐसा भेदभाव देखा जाता था। लेकिन हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में ये सारी भेदभावों को खत्म कर दिया गया है, आप लोग जान कर रखिए। और इसी में कहा गया है, यह भी कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए या अन्य किसी वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। इसका कहने का मतलब है कि हमारे अनुच्छेद में साफ साफ लिखा गया है अगर पिछला वर्ग कोई भी अगर कोई भी अन्य कास्ट का है जो पीछे चल रहा है, तो उसके लिए अगर उसको कुछ ऊपर करने के लिए उसके स्थिति को सही करने के लिए हमारे संविधान कोई भी उपबंध यानी आर्टिकल को ऐड कर सकता है। ये सारी जानकारी आप लोग जान लीजिए। उसके बाद फ्रेंड आप लोग अनुच्छेद 16, 17 और 18 भी समानता अधिकार में ही आता है, आप लोग देखिए। अनुच्छेद 16 में देखिए, अनुच्छेद 16 में कहना है अनुच्छेद 16 कि इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधी विशेष में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, अर्थात धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म के आधार पर नियोजन में कोई भेदभाव नहीं की जा सकती है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि पहले क्या होता था, पहले राजा जब बनता था तो राजा ही राजा का बेटा ही राजा बनता था, और आजकल जब जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद क्या होने लगा कि जैसे कि बड़ा जाति ही पद पर रहेगा, ऐसा 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 कुछ नहीं।
जो मतलब जो उस पद की योग्यता कर सकता है, जो उस पद की योग्यता प्राप्त कर सकता है, सभी व्यक्ति उसको जाति धर्म या वंश मूल के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। अगर वो उस पद के लिए काबिल है या उस पद के लिए वो अधिकार अपना साबित करता, अपने योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो किसी भी व्यक्ति को उस पद को ग्रहण कर सकता है। ये हमारे अनुच्छेद 16 में कहा गया है। इसके बाद आप फ्रेंड आप देखिए अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी जो कहने का मतलब होता है कि अस्पृश्यता की अंत हो गई। जैसे कि इसमें कहा गया कि इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर जाने से या इसका उपयोग करने से रोक नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि पहले क्या होता था बहुत सारे राज्य में कि अच्छा मतलब बड़ा मंदिर में छोटे छोटे कास्ट को नहीं घुसाया दिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे तो वो इस चीज का सामना किए थे, जिसके कारण ये इस चीज को हटाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद लिखे थे कि अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। मतलब सभी जाति धर्म के व्यक्ति को अपना मंदिर में या अपना मस्जिद में कहीं पर भी जाकर उसको पूजा करने या उसमें जाने की अधिकार हो, ये हमारे अनुच्छेद 17 में लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहने का मतलब बेटा ही बेटा, राजा बेटा, आप लोगों को बताएं। जैसे कि देखिए सुन देखिए, राजसेना या किसी विधि संबंधी सम्मान सिवाय और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो लाभ के पद पे है, राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग भारतीय हैं, अगर भारत की उपाधि आप लोग प्राप्त कर, अगर भारत में विदेश मंत्री है, अन्य दूसरे देश में जाकर आप लोग वहां का विदेश मंत्री नहीं बन सकते हैं। ये हमारे अनुच्छेद 18 में साफ साफ किया गया है, साफ साफ लिखा गया है। पहले ऐसा होता था लेकिन बाद में अब नहीं हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो। आपको अगर समानता का अधिकार अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग नेक्स्ट मौलिक अधिकार पर भी वीडियो बनाएंगे और बनाएंगे ही 6 पार्ट में ही बताएंगे। और जिसको PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और PDF भी ले सकते हैं मौलिक अधिकार का। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।